ओम शांति। हम सभी बाबा के अनमोल रतन हैं। उसने रोज हमारा श्रृंगार किया है ताकि हम सृष्टि का श्रृंगार कर सकें। उसने हम में शक्तियां भरी हैं ताकि हम दूसरों के विघ्न नष्ट कर सकें। उसने हमें अपरंपार सुख दिया है ताकि हम दूसरों के दुख हर सकें। ये काम रोज अमृत वेले बाबा करता है। और भाग्यवान हैं वो आत्माएं जो रोज सवेरे उठकर प्रभु मिलन का अनुपम सुख प्राप्त करते हैं। जो देर से उठते हैं, बाबा ने कह दिया, वो सतयुग में भी देर से आएंगे। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हम ब्रह्मलोक में सहज विचरण कर सकते हैं। हम बाबा से बहुत प्यार भरी बातें कर सकते हैं। सोचो भगवान से बातें करने का सुख कितना बड़ा है। इस सुख को हम सदा प्राप्त करें, दिल भर कर उनसे बातें कर लें, अपनी सर सुना दें, उनके भी सुन लें। कईयों को होता है उनकी हमें सुनाई नहीं देती। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, जितनी बुद्धि स्वच्छ होगी, उनकी भी सुनाई देगी। तो सवेरे उठ बाबा को सच्चे मन से शुक्रिया करें। क्या क्या दिया तुमने हमें, उठते ही ये काम करेंगे तो मन आनंद से भर जाएगा और न नींद आएगी न व्यर्थ चलेगा। तुमने हमें श्रेष्ठ बुद्धि दी, तुम्हें बारंबार शुक्रिया। तुमने हमें जीवन जीना सिखाया, कोटि कोटि बार धन्यवाद। तुमने हमें सत्य ज्ञान दिया, हमारे दुख हर लिए, हमारी जन्म जन्म की भक्ति का फल दे दिया। जो कुछ हमने 63 जन्मों में मांगा था वो सब पूर्ण कर दिया। बारंबार सच्चे दिल से आपको शुक्रिया। प्यार में बांध लें सवेरे उठकर बाबा को और महसूस करें वो हमारे कितने समीप है, हम उनके कितने अधिकारी बच्चे हैं। सवेरे बाबा वरदान भी देते हैं, लेकिन वरदान उनके बुद्धि में धारण होते हैं जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं। सवेरे बाबा हमारी भूलों को क्षमा भी कर देते हैं, परंतु उनकी जो बाबा से सच्चे रहते हैं और जो उन भूलों को रिपीट नहीं करते। सवेरे बाबा हमें विजयमाला में आने का आशीर्वाद या वरदान भी दे देते हैं, परंतु उनको जो सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ की उमंग में रहेंगे। तो हम अपनी झोली खोल कर रखें और बाबा से सर्वस्व प्राप्त करें और उसके बाद जंप लगा कर बैठ जाया करें परम धाम में, बस ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे, और महसूस करें उनकी समस्त शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ये बहुत सुंदर एकाग्रता होगी। उसके बाद तीनों लोकों में जाने का और वापिस आने की अच्छी ड्रिल कर ले, इससे भी एकाग्रता बढ़ेगी। मैं आत्मा इस देह में अवतरित, फिर सूक्ष्म लोक में बाबा की हजार भुजाएं मेरे सिर के ऊपर और बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव करें बाबा की दृष्टि लेकर और बाबा से दृष्टि लेकर संसार को दृष्टि दें, और फिर परम धाम में सर्व शक्तिवान के पास बैठ जाएं, फिर वहां से अवतरित होकर देह में प्रवेश कर लिया मैंने, इस गुड फीलिंग में आए। ये अभ्यास रोज अमृत वेले हम सबको करने चाहिए, संसार को सकास भी देनी चाहिए। हम अमृत वेले अपने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा बाबा से खिंचवाते चलें। ये समय दोबारा नहीं आएगा, सोना तो बाद में भी हो जाएगा। अपने दिनचर्या को ऐसा सेट करें
किताई पर सो जाएं और 4 बजे से पूर्व उठ जाएं, भोजन भी बहुत पहले खाएं, 8 बजे तक कम खाएं, ताकि कोई भी भारीपन शरीर में न रहे, तो रोज अमृत वेले का आनंद लेंगे और आज सारा दिन तीनों लोकों में रमण करने की ड्रिल करते रहेंगे। ओम शांति।